नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठ्य पुस्तक से आपकी पढ़ाई चौथा अध्याय तक हो चुकी है। इसके बाद केवल पठन हेतु झांसी की रानी शीर्षक कविता है, जो कि सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। तो आइए मैं बताती हूँ कि आपको यह कविता किस तरह से पढ़ना है। पढ़ करके याद कीजिएगा, कविता बहुत लंबी है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली वहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी रोई रिनवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौ लखार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कुटियों में भी विषम वेदना महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंदी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये इस स्वतंत्रता महाजग में कई वीर बड़ आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुमार सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी तरह से आपको कविता पढ़ना है और याद करना है। यह झांसी की रानी के बारे में इसमें बताया गया है, इस कविता में, कि वह एक वीरांगना थी और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया और उसमें उन्हें किन किन लोगों ने साथ दिया, ये सभी इस कविता में बताया गया है। आप इसको याद कीजिएगा। धन्यवाद।